हेलो वंस अगेन एवरीवन। जैसे कि हम लोग चैप्टर थ्री कर रहे थे, चैप्टर थ्री में एक्सरसाइज थ्री ए कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर थ्री इज होल नंबर, तो होल नंबर में हम लोग ने एक्सरसाइज थ्री ए कंप्लीट कर लिया था। आज एक्सरसाइज थ्री बी कंटिन्यू करना है। कौन सी एक्सरसाइज थ्री बी कंटिन्यू करेंगे? एक्सरसाइज थ्री बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको फिलअप करना है। फर्स्ट दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन 4, 5, 8 प्लस 639 एंड इक्वल टू 639 प्लस डैश। तो यहाँ पे क्या फिल होना चाहिए? इसमें इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे देखिए 458 दिया हुआ है, 639 दिया हुआ है। अगर इस साइड की बात करें तो 639 प्लस क्या मिस लग रहा है? 458 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, जैसे होता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, या ए को आगे रखें या बी को आगे रखें, रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? इक्वल मिलेगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज 864 प्लस 2006 इक्वल टू 2006 प्लस डैश। तो यहाँ पे 2006 दिया हुआ है, 864 नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 864। थर्ड वन इज 1946 प्लस डैश इक्वल टू 984 प्लस 1946। यहाँ पे 1946 है, इधर भी 1946 है, प्लस प्लस क्या नहीं है? 984 यहाँ पे लिख देंगे। फोर्थ वन इज 8063 प्लस 0। 8063 में अगर हम लोग 0 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? यही मिल जाएगा 8063। फोर्थ इज 53501 प्लस 574 प्लस 799 इक्वल टू 574 प्लस 53501 प्लस डैश। यहाँ देखिए 53501 इधर भी लिखा है, 5754 इधर भी लिखा है, 799 इधर है, इधर नहीं है, तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? 799। तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर वन था, फिल इन द ब्लैंक्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, एड द फॉलोइंग नंबर एंड चेक द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स। क्या करना है आपको? ऐड करना है, फिर उसको रिवर्स करके चेक करना है कि वो आपका एडिशन सही है या गलत है। तो इसमें क्या करेंगे? पहला दिया है हमारे पास क्वेश्चन टू का फर्स्ट 1, 6, 5, 0, 9 प्लस 1, 1, 4। अब इसको पहले ऐड कर ले तो कितना मिलेगा हमको? 1, 6, 5, 0, 9 में 1, 1, 4 को अगर ऐड करेंगे तो ये 13 का 3 कैरी में आ 1, 2, 6, 6, 1 कितना है? 1, 6, 6, 2, 3। अब इसको रिवर्स करके ऐड करना है, दैट्स मीन इसको ऊपर कर दे और इसको नीचे कर दे, तो 1, 1, 4, 9, 0, 5, 6, 1। तो अभी भी वही मिलेगा हमको रिजल्ट, ये सेम होगा, तो क्या है मतलब सही है। इसमें रिवर्स करके आपको चेक करना है। ये फर्स्ट था, सेकेंड दिया है इसमें 2, 3, 5, 9 प्लस 5, 4, 8। अब इसको ऐड करें तो 2, 3, 5, 9 और 5, 4, 8, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको? 17 और यहाँ हो गया 10, 5, 8, 9 और ये हो गया 2। अब इसको रिवर्स करके चेक कर दे तो 5, 4, 8 में 9, 5, 3, 2 ऐड करेंगे तो 7 और ये 9, 10 और ये हो गया हमारे पास 9 और ये 2, सेम रिजल्ट मिल रहा है। थर्ड इज 1, 9, 7, 5, 3, 2, 8, 6, 7। इसमें इसको ऐड करना है तो 7, 3 कितना हो गया? 10 हो गया, 6, 6, 12 कैरी में 1, 16 कैरी में 1, 10, 11, 12 एंड ये 2। इसको रिवर्स करके ऐड कर दें 2, 8, 6, 7, 3, 5, 7, 9, 1, 10, 12, 16, 12 एंड 2, ये हो गया। दोनों रिजल्ट क्या मिलेंगे हमको? सेम मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द सम ऑफ। क्या फाइंड करना है आपको? सम फाइंड करना है किसका? 1, 5, 4, 6 प्लस 4, 9, 8। क्वेश्चन थर्ड इज फाइंड द सम ऑफ
1546 प्लस 498 प्लस 3589 एंड ऑल्सो फाइंड और किसका सम 1546 प्लस 498 प्लस 3589 इसका सम फाइंड करना है और बताना है क्या दोनों का सम इक्वल आएगा या नहीं। तो अगर ऐड करें तो पहले इसको करते हैं 1546 894, इसमें ऐड करें तो कितना हो जाएगा 14 का 4 कैरी में है 1, 9 एक 10 एक 14 का 4 5 9 10 हो गया और यहाँ पे 2 कितना आया 2044 और इसमें 3589 ऐड कर दे तो 3589 कितना हो गया 13 का 3 कैरी में है 1, 8 9 10 एक 13 का 3 5 एक 6 यहाँ पे 5 इसका सम्स मिल रहा है हमको 5633। अगर अब इसको ऐड करें तो 4498 में 3589 को ऐड करें तो कितना मिलेगा यहाँ पे 9 एक 10 एक 17 कैरी में आ 1, 9 10 एक 18 कैरी में आ 1, 9 एक 10 यहाँ पे 4। अब इसमें 1546 ऐड करें तो 1546 ऐड करें तो ये हो गया 13 कैरी में आ 1, 8 9 10 एक 13 यहाँ पे मिलेगा आपको 6 और यहाँ पे 5 दोनों सेम आ रहे हैं 5633 एंड हियर इज आल्सो 5633। दैट्स मीन द बोथ सम्स आर सेम दोनों इक्वल हैं और आपको बताना है इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी है। तो ये एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी अगर हो अगर इस तरह से कर दिया जाए और इधर लिख दिया जाए ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड।